नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि HDFC का 3D पासवर्ड क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि HDFC का जो 3D पासवर्ड है वह क्या होता है और आप लोग इसको कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी नॉलेजबल वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजबल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो हम आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको लेके चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उस सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है HDFC नेटशेप। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन खुल कर आएगा नेटशेप HDFC बैंक करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग आ जाएंगे HDFC के नेटशेप वाले पेज पर। अब आप लोगों को यहां से रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नंबर एक, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। नंबर दो, HDFC बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। नंबर तीसरा जो है वह है HDFC बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। नंबर चौथा जो है वह है HDFC बैंक में रजिस्टर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ। इतना चीज़ें कंपलसरी हैं। उसके अलावा आपको छोटी मोटी चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन। आप लोग रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे है न्यू टू नेटशेप। अगर आप नेटशेप के लिए नए हैं तो आप लोग रजिस्टर्ड यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ से रजिस्टर्ड करके नहीं बताने वाले हैं, आप लोग बहुत ही ईजी प्रकार से यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रही बात HDFC के 3D पासवर्ड की, तो जो यहाँ नेटशेप अकाउंट का पासवर्ड होगा उसी को HDFC का 3D पासवर्ड कहा जाता है। HDFC 3D पासवर्ड के थ्रू कोई भी पेमेंट बहुत ही इजी प्रकार से कर सकते हैं। इस पर हम एक बहुत ही डिटेल्स में वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, 1 से 2 दिनों के अंदर। और अगर आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आपको सिर्फ 1 दिन का और इंतज़ार करना है। हम आपके लिए एक पूरा फुल डिटेल्स वीडियो लेकर आने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट HDFC 3D पासवर्ड और हाउ टू क्रिएट HDFC नेटशेप अकाउंट। पूरी डिटेल्स वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि हमसे पूछा था कि HDFC का जो 3D पासवर्ड है वह क्या होता है, उसके लिए हमने आपको रेंडमली यहाँ पर बता दिया है। और आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली यहाँ रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन है यहाँ ऊपर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी कार्ड की एक्सपायरी डेट है उसको डालकर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको मांगा जाएगा, आपका जो भी ATM पिन है उसको मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह मांगा जाएगा। सिंपली जब आप लोग उस स्टेप को पूरा करेंगे, उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेप है वहाँ से आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कुछ सिक्योर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न, तो आप लोगों को उसको फिल कर लेना है। यहाँ से जो भी आपका पासवर्ड जनरेट होगा, जनरेट होने का मतलब जो भी आप लोग यहाँ से नेटशेप का पासवर्ड बनाएंगे वही पासवर्ड होता है HDFC का 3D पासवर्ड। और आप लोग ये मत समझिएगा कि हमने आपको इसमें इनकम्प्लीट जानकारी दी, और इस वीडियो को बनाने का मतलब यह था कि हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें आखिर क्या होता है HDFC का 3D पासवर्ड। तो आप लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे आई होप। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपके लिए जिस दिन आपका कमेंट आएगा उसके दूसरे दिन आपके लिए एक वीडियो आएगा। तो नेटशेप बहुत ही अच्छी चीज़ है, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।